everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ owing to के बारे में। गाइस, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो कभी ना कभी आपको owing to जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। या कोई भी नॉवेल पढ़ लीजिए, कोई मैगजीन्स पढ़ेंगे, उसमें आपको जब owing to मिलेगा तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि owing to क्या है। गाइस, owing to का मतलब बहुत ही आसान है। owing to का मतलब है because of, owing to का मतलब है on account of, यानी कि दोनों का मतलब है कि कोई कारण, क्योंकि किसी कारण से कुछ हो रहा है, किसी चीज के कारण, owing to dash dash dash, बस ये सिंपल सा एक मतलब है फ्रेंड्स। तो जब भी owing to मिले तो समझ जाइए कि कोई काम हुआ है किसी चीज के कारण, तो owing to उस चीज का जिक्र रहेगा। तो यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं फ्रेंड्स। एक सेंटेंस है कि पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण मैं कार नहीं चलाता हूं। अब जिसको owing to नहीं पता होगा, उसके पास because of है, उसके पास on account of है, लेकिन अगर आपको owing to मिल जाए तो आप कैसे समझेंगे, तो मैं owing to पढ़ा देता हूं फ्रेंड्स। सो गाइस, यहां पर स्ट्रक्चर दो है। एक है कि आप एक सेंटेंस लीजिए। कौन सा सेंटेंस? जैसे लिखा है कि पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण मैं कार नहीं चलाता हूं, ये वो सेंटेंस है कि मैं कार नहीं चलाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैंने उसको चाटा मारा, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आप पहले दिखा दीजिए। अब रिजल्ट के बाद लगाइए बीच में owing to, और किस वजह से वो रिजल्ट आया है उस वजह को यहां पर दिखाइए। वजह मतलब वो रीजन, वो कारण। ये कोई भी छोटा सेंटेंस टुकड़ों में होगा, एक नाउन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप दिखा सकते हैं कैसे। यहां पर लिखा है कि मैं कार नहीं चलाता हूं, ये मेरा रिजल्ट है। क्यों नहीं चलाता भाई, क्या कारण है? तो मेरा कारण है पेट्रोल के बढ़ते दाम। तो ये देख रहे, इतना छोटा सा टुकड़ा है, ये टुकड़ा owing to के बाद आपको लगाना है फ्रेंड्स। तो इसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे होगा भाई? तो आपको लिखना है मैं कार नहीं चलाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई डोंट ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव अ कार। मैंने यहां पर अ लगाया, कोई भी कार हो, द लगाएंगे तो किसी खास को आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आई डोंट ड्राइव अ कार owing to मतलब कि उस कारण से। कौन सा कारण है जी? पेट्रोल के बढ़ते दाम, यानी कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। ये जो रीजन है इसको मैंने इस तरीके से ट्रांसलेट किया कि पेट्रोल के बढ़ते दाम, तो इतना बड़ा है तो उसको ऐसे ट्रांसलेट कर दीजिए, यानी कि राइजिंग कॉस्ट, बढ़ते हुए दाम किसके? ऑफ पेट्रोल। यहां फुल स्टॉप दीजिए। तो आपका पूरा सेंटेंस है आई डोंट ड्राइव अ कार ओइंग टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। यहां पर आप द लगा सकते हैं, ओइंग टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो यहां तक समझ में आ रहा है गाइस? अब जो एक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, कि यहां एक सेंटेंस है, इसके बाद है ओइंग टू, फिर है द फैक्ट दैट। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा मिल जाए, ज्यादा तो नहीं मिलेगा, पर कभी मिल जाए कि owing to के बाद the fact हो और यहां पर that हो, और that के बाद एक sentence हो, पूरा का पूरा कोई भी sentence हो। क्या मतलब होगा इसका? तो इसके लिए एक example है, इस बात की वजह से कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, वह तुम्हारे घर नहीं आना चाहता है। ये जो सेंटेंस है कि वह तुम्हारे घर नहीं आना चाहता है, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्यों है, क्या कारण है वो? तो भैया ये बात है, कारण ये है कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। तो तुम उसे पसंद नहीं करते हो, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, कोई छोटा मोटा नाउन नहीं कि आप owing to के बाद वो छोटा सा दिखा दीजिए। तो अगर पूरा सेंटेंस बोलना है फ्रेंड्स, तो आपको owing to के बाद एक द फैक्ट दैट बोलना होगा। यहां पर खाली owing to कब यूज करेंगे? जब owing to के बाद कोई भी एक छोटा सा नाउन हो जाए, owing to bad weather, owing to his misbehavior, ऐसे छोटा छोटा चलेगा। लेकिन पूरा बोलना है, owing to के बाद बोलना है कि इस कारण से कि तुमने उस दिन मुझे चाय नहीं दिया, इस कारण से। अब ये चाय नहीं दिया पूरा सेंटेंस है, तो फिर owing to the fact that you didn't give me the tea, ऐसे करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, बनाइए कि वह तुम्हारे घर नहीं आना चाहता है, he doesn't
want to come to your home, तुम्हारे घर नहीं आना चाहता है, अब लगाइए owing to, फिर यहां लगाइए the fact that, अब that के बाद वो sentence, तुम उसे पसंद नहीं करते हो, you don't like him. अब पूरा sentence क्या है? He doesn't want to come to your home owing to the fact that you don't like him. समझ रहे गाइस आप? तो इस पर आधारित मैं कुछ sentences बोलता हूं friends, ताकि आप और सही तरीके से समझ सके. Back injury की वजह से मैं gym नहीं जा सकता हूं. I can't go to the gym owing to a back injury. अपनी breakup की वजह से वह disturbed था. He was disturbed owing to his breakup. अंधेरे की वजह से मेरा दोस्त कुछ देख नहीं सका. My friend couldn't see anything owing to the darkness. Flights were cancelled owing to the bad weather. यानी कि खराब मौसम की वजह से flights cancel हो गए. तो गाइस इस तरीके से आपको owing to मिलेगा और owing to the fact that तब मिलेगा जब एक बहुत लंबा सेंटेंस यहां भी दिखाना हो friend. तो इस वीडियो को बार-बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू गाइस.